नमस्कार, सेवन आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सागर में सरपंच सचिव द्वारा भारी भ्रष्टाचार उजागर, आंगनबाड़ी भवन के निर्माण में गुणवत्ताहीन तरीके से कराया गया निर्माण। मुरैना में प्रेम प्रसंग के चलते दो युवकों ने एक युवक को मारी गोली, घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस जुटी मामले की जांच में। रेत से भरे ट्रैक्टर की बात पर हुए विवाद को लेकर युवक को मारी गोली, पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर की मामले की जांच शुरू। सतना के रामपुर बघलान में उद्योग विभाग की जमीन से अवैध उत्खनन जारी, शिकायत करने के बाद भी सुध नहीं ले रहे जिम्मेदार अधिकारी। और सागर में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही उजागर, डिलीवरी के बाद घर जाने के लिए मरीज को नहीं उपलब्ध कराया गया वाहन। और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सागर जिला के देवरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत बिजोरा में आंगनबाड़ी भवन के निर्माण में सरपंच और सचिव द्वारा भारी भ्रष्टाचार उजागर करने का मामला सामने आया है। भवन निर्माण बहुत ही गुणवत्ताहीन तरीके से कराया गया है, जिससे बाउंड्री वाल में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। इस घटिया निर्माण को लेकर ग्रामवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। सागर से अमित धंधेरिया की रिपोर्ट। मुरैना के रानपुर गांव में ईंट के भट्टे पर मजदूरी कर रहे युवक को दो युवकों ने गोली मार दी, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। पूरा मामला भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बताने को लेकर बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मुरैना से तुलसी दत्त शर्मा की रिपोर्ट। पत्नी को मैं राग दूंगा, इन्हें कहा था मतलब मेरे भाई पत्नी मैं क्यों रागूंगा, और क्या नाम है, तीन चार दिन धमकी दे रहे हैं कि मैं तेरे गोली मार के तेरे खत्म कर दूंगा। तीन चार दिन मेरी धमकी दे रहे हैं। गोली चली गई की आवाज़ सुनाई नहीं थी, लेकिन वो बालक थे पब्लिक लेके आई की जाए और लीवर वाले हम तो आवाज़ सुनी है, ऑफिस में हमला किया, हमने आवाज़ भी पूरी तरह सुन पाई कि भट्टा भी जमाए पर काम कर रहे हैं। 26 साल का किसी के प्रजापति राम प्रकाश प्रजापति, उसको बाएं शोल्डर में गोली लगी है, आया है गोली एकदम से निकल कर दूसरी तरफ से निकल गई है, और मरीज को भर्ती लेके इलाज हो रहा है उसका, मरीज की जान जैसे बात। खबर मिली है कि रानपुर पे इसको कोई ऋषि प्रजापति है, इनको गोली लगी है, तो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। थाना प्रभारी को मौके भेजा हुआ है, अभी देखते हैं क्या स्थिति, क्या कहाँ से क्या निकल के आ रहा है। सर अभी तक क्या पता चल पा रहा है, क्या स्थिति है? अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन ये जिस तरह से नाम बता रहे हैं, पारिवारिक विवाद बता रहे हैं, रिश्तेदारों से विवाद बता रहे हैं, उस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं। झुंडपुरा नगर के प्रसिद्ध धोरेट बाबा मंदिर पर सोमवार से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। पहले दिन कथा व्यास ने सुखदेव जी की कथा श्रोताओं को सुनाई। इससे पूर्व प्राचीन चामुंडा माता के पास से पंडित रमेश चंद्र बुधौलिया ने विधिवत पूजा अर्चना कर कलश यात्रा की शुरुआत की। कलश यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर निकली, जहाँ नगर के लोगों द्वारा कथावाचक का तिलक लगाकर एवं श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। कलश यात्रा में महिलाएं परंपरागत गीत एवं नृत्य करते चल रही थी। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग महिलाएं उपस्थित रहे। मुरैना से तुलसीदत्त शर्मा की रिपोर्ट। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे दीपक अग्निहोत्री नाम के युवक को किसी अनजान युवक ने बालू के ट्रैक्टर की बात करने के संबंध में घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। घर वालों ने तुरंत दीपक को अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दीपक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। छतरपुर से मनीष तिवारी की रिपोर्ट। सतना जिले के रामपुर बघेलान तहसील अंतर्गत आने वाले कई गांवों व तहसील मुख्यालय से सटे नगर पंचायत करही व तपा में लगातार अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। इस उत्खनन कार्य में सड़क निर्माण कर रही श्रीजी इंफ्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जबलपुर द्वारा जगह जगह
पर किया जा रहा है, जिसकी लिखित व मौखिक शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से की जा चुकी, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न करने से विभाग पर सवाल या निशान लग रहा है। वहीं राजस्व विभाग से साठगांठ कर नेशनल हाईवे 75 का निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार द्वारा खुलेआम अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी लिखित शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई है। साथ ही तहसीलदार सविता यादव को कई बार लिखित शिकायत भी दी गई, लेकिन तहसीलदार सविता यादव, माइनिंग अधिकारी कमलकांत परासे की मिलीभगत के कारण कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी, जिससे उत्खनन कर रही कंपनी के कर्मचारियों के हौसले बुलंद है। रामपुर बघेलान से सतीश शुक्ला की रिपोर्ट। हमारे द्वारा माइनिंग को इसके संबंध में अवगत करा दिया गया है। पटवारी और माइनिंग की संयुक्त टीम द्वारा इसकी जांच की गई है और इसके संबंध में आपको आगे की जानकारी जो है माइनिंग विभाग से मिल जाएगी। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा में एक मतदान केंद्र पर आज दोबारा से मतदान कराया गया। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। माध्यमिक शाला भवन पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया गया। पूरी तैयारी के साथ SDM व ARO विजय सौरभ मिश्रा सहित अन्य अफसर भी मौजूद रहे। विजयपुर से कोक सिंह धाकड़ की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केसली में सविता आदिवासी निवासी केवलारी की डिलीवरी होने के बाद छुट्टी होने पर घर जाने के लिए विभाग में संचालित वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे करीब 4 घंटे तक स्वास्थ्य केंद्र में ही मरीज को इंतजार करना पड़ा। मरीज की सास ने बताया कि आशा सहित स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों ने किसी को फोन नहीं लगाया, जिसके कारण हमें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। सागर से अमित धंधेरिया की रिपोर्ट। डिलीवरी ले आए थे। अच्छा, तो कितने बजे हो गई थी छुट्टी? हमारी हो गई थी 11 बजे। 11 बजे। अब समस्या क्या जा रही? घर नहीं पहुंची? घर नहीं पहुंची है। क्यों? गाड़ी नहीं मिल रही है। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए 7i News के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i News को सब्सक्राइब करिए।